हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज डेट है 22 जून और आज हम आए हैं, गेस करो आज हम कहाँ आए होंगे। अगर आप नज़ारा देख के भी गेस नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता दूँ हम कहाँ आए। आज हम आए गुलमर्ग घूमने और इन्जॉय करेंगे, आपको पूरी सीनरी दिखाएंगे। और आज 22 है। आज एक और चीज़ है, वो मैं आपको व्लॉग के लास्ट से बताऊँगा कि आज दिन कौन सा है और मेरे लिए क्या स्पेशल दिन है आज। तो आज का व्लॉग यहीं पर स्टार्ट करते हैं। फोटो खिंचवा रहा, देखो कि काम यही है फोटो खिंचवाने के और स्नैप बनवाने के बस। अभी गुलमर्ग यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर से शायद ऊपर है। अभी गुलमर्ग यहाँ से ऊपर जाके गाड़ी वहाँ पार्क की, अभी हम ऊपर जाएंगे और गुलमर्ग जाएंगे तो वहाँ से। लेकिन भाई दोस्तों के साथ घूमने का अलग ही मज़ा है। खैर क्या फ़र्क पड़ता है कि एक ही दोस्त है, लेकिन मज़ा आता है। अगर और दोस्त होते ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। ये मेरे को फोटो खिंचवाने के लिए साथ लाया है। ये भाई इसका फोटो हो गया, देख चेक करके ऐसी फ़ोटोज़ है, अच्छी खींची है मैंने। हम ऊपर जाएंगे और आपको ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं। गुलमर्ग ऐसा है, बहुत बढ़िया है। मतलब गुलमर्ग के पहाड़ पे बर्फ ही बर्फ है। याद है कि गर्मियों में जो गुलमर्ग है ना, मतलब वो खाली आप मैदान ही मान लो, ऐसे गर्मियों में गुलमर्ग खाली ऐसा ही है। लेकिन सर्दियों में ये जो पूरा है ना, बर्फ़ होता है पूरा यहाँ पर, और घुटनों के ऊपर तक बर्फ़ होती है यहाँ पर। जितना भी आप देख रहे हो एरिया, यहाँ पर घुटनों के ऊपर तक बर्फ़ होती है। अब उमर को वो था कि यहाँ गुलमर्ग जाए तो मैं ले आया यहाँ पर गुल। मतलब ये इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है। मतलब चारों तरफ का व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है यहाँ पर। लेकिन घोड़े बहुत सारे होते हैं, क्योंकि घोड़े ना यहाँ पर लोग घोड़े ना सेकेंड फेज थर्ड फेज तक लेके जाते हैं लोगों को, जो यहाँ पर मतलब पहाड़ के ऊपर जहाँ पर बर्फ़ होती है। भाई उमर भाई ने जिद की, बोला हॉर्स राइडिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है करते, यही करवा रहा है मेरे को हॉर्स राइडिंग। आज हम करेंगे हॉर्स राइडिंग, दादा को यहीं बिठाया हुआ है। हॉर्स पे ऊपर जाएंगे सेकंड फेज तक और बर्फ़ देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। इस इनका नाम क्या है? बादल और राजू। चलो बैठ। बादल किस कौन है? मेरे को डर लग रहा है बैठते हुए। भाई भाई मतलब घोड़े पे बिल्कुल बैलेंस नहीं बन रहा, और मतलब मैं हिल रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ मैं गिर जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ हूँ मैं। उमर कैसा लग रहा है? भाई घोड़े में मज़ा आ रहा है बैठने में, बस थोड़ा सा ना बैलेंस इधर उधर हो रहा है। आपको जो पैरों या आप साइड पर जो पैर रखते हो, इससे आपको बैलेंस बनाना होता है। उमर भाई बैठे हुए हैं अच्छे घोड़े पे, और मेरे को देखो ये भी अच्छा है, घोड़े तो प्यारे ही है। मेरे वाले का क्या नाम है? भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, धूप मतलब धूप ज़्यादा है, गर्मी तो नहीं कहूँगा पर धूप है, पसीना नहीं है धूप है। दिल्ली की तरह दिल्ली वाली गर्मी नहीं है पर धूप। ये हमें ऊपर लेके जाएंगे जो कि है गुलमर्ग का सेकेंड फेज या फर्स्ट फेज, शायद फर्स्ट फेज लेके जाएंगे हमें। फिर हमको वहाँ पर ये बर्फ़ दिखाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी हमें। गंडोला असल में ना प्रॉब्लम ये हुई कि जो हम ना गोंडोला के टिकट्स के लिए आए थे वो हमें मिले नहीं, तो इसीलिए हमको घोड़े करने पड़े। पर घोड़े का भी अपना अलग ही मज़ा है गंडोला से। यहाँ पर जो आप सारे देख रहे हो सारे होटल्स हैं यहाँ पर, और ये भी होटल ही है जहाँ पर होटल्स की गाड़ी आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो सारे पेड़ देख रहे हो इसे इन्हें काटना इलीगल है, इन्हें नहीं काट सकते, इन पेड़ को बड़े महंगे मिलते हैं। ये जो सारे ट्रीज देख रहे हो आप, ये सारे होटल्स हैं यहाँ पर इन वुड्स के अंदर भाई। लेकिन धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, आप देखो कि तेज़ धूप है ऊपर यार, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है मतलब स्किन पे बहुत। के पेड़ ने कहते हैं फर के पेड़, जो कि काटना तो इलीगल मैंने बता ही दिया आपको, और बहुत ज़्यादा महंगे भी है। यहाँ पर तो बहुत बर्फ़ होगी नॉर्मल डेज में, कह रहे 5-6 फुट 7 फुट बर्फ़ होती है यहाँ पर नॉर्मल डेज में, और तो पूरा बर्फ़ से भरा होगा पूरे सब कुछ। तो मैं अगर मैं तो आपको मोस्ट ये कहूँगा कि
अगर आपको यहाँ आना है तो बर्फ में आओ, बेस्ट रहेगा, बर्फ में ही यहाँ पर मजा आता है। अच्छा मौसम आया, बादल की धूप बादल में छुप गई और थोड़ा हमें ठंडक सी लगी। आपका तो खाली बर्फ में ही चलता, कब चलता है आपका? नवंबर में खत्म, यानी कि इन्हीं टाइम होता है आपका। फिर क्या करते हो आप, मतलब आप पैसे जमा करते हो फिर इस? मैं तो कहूंगा यार मनाली शिमला वगैरह छोड़ो, कश्मीर आओ। हाँ पता है थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होगा, बट वर्थ इट है। उससे जो खर्चा होगा ना, उस खर्चे से आपको बहुत ज़्यादा वर्थ इट है कश्मीर आना। कश्मीर इज़ बेस्ट प्लेस, मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी देख ही सकते हो आप तो व्लॉग, मेरे व्लॉग्स तो देखते ही होंगे आप, जो नहीं देखते होंगे भाई उनकी गलती है। खैर ये मेरा दोस्त भी नहीं देखता मेरा व्लॉग, पता है ये तक नहीं देखता ये बंदा, पर 700 व्यूज़ हो गए मेरे आज उस व्लॉग पर और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। भाई तुझे दिल्ली में ऐसी खूबसूरत जगह मिलेगी, बता उमर पानी कैसा बह रहा है भाई यहाँ पर। मतलब मैं नहीं आया आज तक इतने ऊपर से, नहीं बताऊँ तो ऊपर नहीं आया मैं, नीचे नीचे से ही गया, पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। अच्छी देखो पेड़ गिरा हुआ है वहाँ पर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और वो भी और लोग भी आ गए वहाँ पर, हम भी चाह ही रहे हैं वहाँ पर। बर्फ़ कितनी ऊपर है अभी? अभी हाफ भी नहीं हुआ। अच्छा इतनी ऊपर है। देखो यार यहाँ से पानी बह रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये, मतलब जंगल के बीच में कितना अच्छा लग रहा है। मतलब यार आप देखो पानी कितना अच्छा लग रहा है। भाई मतलब लिटरली वर्थ इट है। और पता नहीं कब पहुंचेंगे ऊपर तक, भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं बेताब ऊपर तक पहुंचने के लिए। और व्यू तो भाई अमेजिंग है, ये देखो आप, ये देखो आप पेड़ देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, मतलब यहाँ पर भाई मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो पेड़ साइड से देखो ये। हाँ मैं आपको रास्ते का पूरा व्यू देना चाहता हूँ हर एक जगह का, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक जगह की मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। तो आप घोड़े के बिना भी आ सकते हो, जो दोस्त वोस्तों साथ में 4-5-6 तो वैसे भी आप आ सकते हो, पर मतलब पहाड़ तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं ऊपर। अगर आपको दिख रहे हो व्लॉग में तो मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, पहाड़ अलग ही दिखाई दे रहा है बर्फ के आगे वहां पर है। ट्वेल्थ हो गई हमारी इस साल, और मुझे लगता है स्कूल के बाद अगर किसी ने सच में एंजॉय किया होगा तो वो हम दोनों ने एंजॉय किया होगा। बाकी सब तो हमने बहुतों को बोला, आओ आओ ऑफर भी दिया, आ जा, पर वही चीज़ कि नहीं आएंगे, ये हो गया एंड वक्त प्लान कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिए। तो हमने बोला बाकी सब लोग जाए भाड़ में, हम अपना देखते हैं। बाकी व्यू तो आप देख ही रहे होंगे भाई। अभी हम रुके हैं यहाँ पर रेस्ट के लिए, और घोड़े को भी थोड़ा पानी वानी पिलाना था, क्योंकि अभी ना आधा रास्ता हुआ है खाली, अभी हमें और ऊपर जाना है। तो हम यहाँ रेस्ट के लिए रुके हुए हैं, रेस्ट करेंगे, थोड़ा खाएँगे, फिर हम ऊपर जाएँगे और फिर हम बर्फ़ में मज़े करेंगे। लेकिन स्नो फाइट ज़रूर खेलेंगे उमर, स्नो फाइट खेलेंगे, इसका मैं पूरा मुँह सुझा दूँगा स्नो मार मार के। चलो कुछ खाते हैं यहाँ पर। मंगा लिया हमने मैगी, अगर आप पहाड़ों पे आओ और मैगी ना खाओ तो भाई फिर पहाड़ों पे आने का मतलब तो बनता ही नहीं है। ये जगह जो है ना कुछ ऐसी है, देखो चारों तरफ, मतलब यहाँ पर आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ पर घोड़े ही आते हैं खाली बस। तो भाई मैगी आ गई हमारी, मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अमेजिंग मैगी है एकदम, मतलब मैगी का टेस्ट अलग है, पर पहाड़ों पर तो मैगी का टेस्ट अलग आता ही है। भाई बस अभी हम ऊपर पहुँचने वाले हैं, और बर्फ़ के पहाड़ तो हमें यहीं से दिखाई दे रहे हैं। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये रे बर्फ़ के पहाड़ जो कि सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा शाइन मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है वाइट गोल्ड की तरह बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं वो जो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं आपको। और नज़ारा यहाँ पर मतलब कश्मीर का टॉप की जगह है, मतलब टॉप है, बहुत ऊपर है हाइट पर ये।
पूरा गुलमर्ग दिख रहा है लिटरली यहाँ से, और ऐसा नज़ारा मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग नज़ारा है, और ये नज़ारा आपको मुझे शायद ही लगता है कि इंडिया में आप कहीं पर देख पाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग नज़ारा आप देख सकते हो। तो घोड़ा खा रहा है खाना, घोड़ा बहुत ज़्यादा थक गया था, अब ऊपर आए इतनी ज़्यादा हम, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऊपर है और बर्फ़ हो रही ऊपर। ये मज़े की बात तो ये है कि टावर, मोबाइल टावर भी आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि थोड़ी अजीब सी बात है। अब कोई हमारे घोड़े वाले भी थक गए थे और हमारे घोड़े भी थक गए थे, तो हम रुक गए यहाँ पर 2 मिनट रेस्ट लेने के लिए। तो भाई पहुँच गए हम ऊपर, ऊपर से कुछ ऐसा है, अभी घोड़ा रुकेगा और हम नीचे उतरेंगे ऊपर। भाई बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बर्फ ये है, हम ऊपर भी ट्रैकिंग करते करते जा सकते हैं, हम जाएंगे ऊपर बर्फ में ट्रैकिंग करते करते। बाकी नज़ारा देखो कितना, हम कितने ऊपर आए हैं। तो भाई अभी भी चलते ही जा रहे हैं, मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है लेकिन यार भाई बहुत ज़्यादा थक गया, अभी हमें ऊपर जाना है बहुत ज़्यादा, और अभी चल रहे हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है, पूरी बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर, अभी हमें जाना है ऊपर वहाँ। कितनी बर्फ़ है भाई, लेकिन यहाँ नीचे गंदी बर्फ़ है, अच्छी बर्फ़ के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो गरम गरम चाय भी पी सकते हैं, खैर हम तो नहीं पियेंगे क्योंकि हम चाय नहीं पीते हैं, हम पीते हैं कॉफ़ी और जूस, जूस पियेंगे आके यहाँ पर। अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं, थक गया भाई मैं बहुत ज़्यादा, कोई ठंडा नहीं है ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर, ये भी बर्फ़ गंदी। और उमर भाई हमारे ऊपर चढ़ते हुए हमको भी, अबे यार अगर आप लोग मेरा व्लॉग रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा इससे पहले मैं सिंथन टॉप गया था, वहाँ की बर्फ एकदम साफ थी, एकदम साफ शीशे की तरह। भाई यहाँ फंसा हुआ मैं, फंसा दिमाग, अरे 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 भाई आखिर मैं ऊपर पहुँच ही गया, और मतलब पूरा जिम करता हूँ सकता नहीं हूँ, देखो बराबर पानी बह रहा है, और आपको दिखाता हूँ सामने नज़ारा, दिखाता हूँ आपको जो नज़ारा देख रहे हो ना सामने, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मेरी, आपको तो पता है कि मेरी आंखों से तो अच्छा लग रहा है, कैमरा से कैमरा से भी अच्छा लग रहा है, आईफोन का कैमरा है अच्छा तो लगेगा ही, पर जो सारा व्यू देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम ना वहाँ पर जो वो देख रहे हो वहाँ पर, हम पूरा नीचे वहाँ से आए, वहाँ नीचे से आए, आपको 2 घंटे लगे ऊपर चढ़ने में। और भाई मतलब हवा बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, और जो सारे लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और सनसेट देखो कितना अच्छा हो रहा है, ये तो और मतलब आप देखो व्यू, देखो कितना अच्छा है यहाँ पर पूरा व्यू, मतलब सनसेट होने वाला है बस अभी, मुझे पानी।